नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए नरमे में स्प्रे करने के लिए हाई क्लीयरेंस स्प्रे मशीन के बारे में बताना चाह रहा हूँ। क्योंकि आजकल नरमे की सीज़न चल रही है और नरमे में चिट्टी मक्खी, हरा तेला और जो टिंडों में सूड़ी पड़ती है उसका प्रभाव बहुत अधिक दिख रहा है, तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो रहा है। फार्मर भी परेशान है और कई स्प्रे करते हैं, उसके पश्चात भी क्या है कि उनको हरा तेला और चिट्टी मक्की से कोई फ़ायदा नहीं मिलता है, उसमें कंट्रोल नहीं हो पाता है। तो उसके लिए मैं आपको ये बताऊंगा कि इस मशीन का उपयोग कैसे किया जाए और इस मशीन की क्या क्या खासियत है। तो इस मशीन में अभी देख रहे हैं, ये जो बूम है, बूम को ओपन और क्लोज़ करने के टाइम इसमें बॉल्ब लगे थे हैं, जिससे ही बूम को ओपन और क्लोज़ करते हैं वैसे ही यहाँ पे बाल बंद हो जाते हैं और बूम का डिस्चार्ज बंद हो जाता है। इसी तरीके से इसमें हालो कोन, एक विशेष टाइप की नोजलें लगाई गई हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये भाई साहब हम लोगों को खोल के अपनी नोज़ल दिखा रहे हैं कि ये विशेष टाइप की नोज़ल होती है। तो नोज़ल में कोई ख़ास ऐसी बात नहीं है, ये हालो कोन टाइप की नोज़ल जो होती हैं वो पहले भी हम लोग यूज़ करते रहे हैं। ये जापान की इम्पोर्टेड मशीन है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि जापानी इम्पोर्टेड है हॉलो कोन की वो फब्बारा इस तरह से बनाती है, उस तरह से बनाती है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है विशेष। इसके पश्चात मैं आपको बता दूं, ये मशीन वैसे तो काफ़ी एडवांस है एज़ कम्पेयर टू जो इंडियन मशीन्स अवेलेबल हैं हमारे पास, क्योंकि इस मशीन का जो एक कैलिब्रेशन करने का जो तरीका है वो काफ़ी स्मार्ट है। कि मशीन में हम लोग जितना वाटर एप्लीकेशन रेट रखना चाहें उतना रख सकते हैं, जितनी फॉरवर्ड स्पीड सेट करना चाहें फॉरवर्ड स्पीड सेट कर सकते हैं, और मशीन को जैसे कि ऑटोमेटिकली बूम को ओपन और क्लोज़ किया जा सकता है। तो काफ़ी अपने जैसे कैलिब्रेशन करने की कोई बहुत विशेष आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर आपने कह दिया 200 लीटर पर एकड़ हमें वाटर डालना है तो आसानी से सेट हो जाता है, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं होती है। और जैसा कि अभी ये भाई साहब हमको फिर से वही अभी दिखा रहे हैं कि बाल को कैसे ओपन और क्लोज किया जाता है, इसके अंदर क्या क्या फंक्शंस हैं और कैसे स्प्रे ये पैटर्न बनाता है। तो हालो कोन पैटर्न स्प्रे का बहुत अच्छा होता है, जिससे कि हम लोग स्प्रे करते भी हैं कीड़ों के लिए, जो स्प्रे करने की बात है वो हालो कोन स्प्रे जो नोज़ल है उसी को हम रिकमेंड भी करते हैं सारे लोग इंडिया में, पूरे क्या वर्ल्ड वाइड, कि हालो कोन नोज़ल को ही यूज किया जाए फॉर द कंट्रोल ऑफ इंसेक्टिसाइड। तो ठीक है, इस नोज़ल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका डिस्चार्ज रेट भी ठीक है जैसा कि इन्होंने फिक्स किया है। यहाँ पे ये 200-150 लीटर पर एकड़ के हिसाब से स्प्रे करने वाले हैं और फॉरवर्ड स्पीड इन्होंने अपने हिसाब से रखी है, जो भी अपना रखा होगा इनने वो किया है। और हम इनके साथ एक फील्ड में एक्सपेरिमेंट भी करेंगे कि हमारे जो ड्रॉपलेट हैं क्या वो जहाँ पे वाइट फ्लाई पत्तों के अंदर पहुँच बैठती है, पत्तों के नीचे साइड में, क्या वो पत्तों के नीचे साइड में स्प्रे ड्रॉपलेट पहुँच रहे हैं कि नहीं पहुँच रहे हैं। तो इसका हम एक एक्सपेरिमेंट भी करेंगे और इनकी जो स्प्रे करने की जो तरीका है कि वो कितनी फॉरवर्ड स्पीड रखते हैं, वाटर एप्लीकेशन रेट क्या रखते हैं, बूम की हाइट क्या रखते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। अब ये देख रहे हैं यहाँ पे इन्होंने 200 लीटर वाटर एप्लीकेशन रेट रख दिया है, फॉरवर्ड स्पीड इसकी 2.2 किलोमीटर रख दी है, इनका ऑपरेटिंग प्रेशर करीब 1.5 मेगा पास्कल रहता है। तो प्रेशर भी ठीक है, क्योंकि ड्रॉपलेट का जो साइज़ मैं देख रहा था, देखूँगा मैं बाद में दिखाऊँगा आपको, वो ठीक आया है ऑलमोस्ट, कोई ऐसी विशेष बात नहीं है कोई प्रॉब्लम वाली। तो मशीन में कोई ऐसा ऐसा मैं कह दूं कि मशीन ख़राब है तो ये मशीन नहीं ख़राब है। अभी आप देख रहे हैं ये स्टार्ट कर दिया है इन्होंने स्प्रे करना, हमने यहाँ पे वाटर सेंसिटिव पेपर पहले से ही लगा दिए थे। अब देख रहे हैं काफ़ी फास्ट स्पीड है, करीब 80 मीटर का ये मुझे लगता है फील्ड होगा और 80 मीटर स्पीड इन्होंने करीब 15-20 सेकंड में ही इन्होंने कवर कर दी है। और देख रहे हैं बूम की हाइट को इन्होंने करीब 5 फिट या 6 फिट रखा है, 2.5 फिट की ऊंचाई इसकी क्रॉप की है। और जो अभी दोपहर का 11 बजा है, तो 12 बजे यहाँ पे जो विंड की स्पीड है, तो ये विंड की स्पीड 11 किलोमीटर मैंने एक्यूवेदर पे चेक किया है। और ये जो जहाँ पे इस फील्ड में कर रहा है ये मियानी विलेज है पंजाब के अंदर मानसा के पास, तो
वहाँ पे हम लोगों ने फील्ड जो फार्मर का है उस पे हम लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये ड्रॉपलेट हैं क्या वो पौधों के अंदर जाके पत्तों के नीचे साइड में पड़ते हैं कि नहीं पड़ते हैं। तो अभी देख रहे हैं ये बराबर स्पीड पे चलाए जा रहे हैं, 5 फीट की इन्होंने अपना रखा हुआ है हाइट इसका बूम का। तो अगले राउंड में हम इनको थोड़ा सा कहते हैं कि चलिए भाई आप थोड़ा सा नीचे कर लीजिएगा बूम को, जिससे कि ये जो उड़ रहा है ये ड्रिफ्ट जो हो रही है केमिकल की वो ना हो, जिससे कि टारगेट हमारा जो है कि पत्तों के नीचे पहुँचे, वो स्प्रे पत्तों के नीचे पहुँचनी चाहिए। तो हमने इनको कहा है कि बूम को नीचा कर लीजिए भाई साहब, तब आप इसको ऑपरेट करिए। और फॉरवर्ड स्पीड ये जब चला देते हैं तो ये इतना नहीं सुन पाते हैं, चला लेने के बाद इनको आवाज़ नहीं जाती है कि किस स्पीड पे चलाना है क्या करना है, जो पहले से इनका प्री डिसाइड होता है इनका माइंड सेट है उसी हिसाब से ये चलाते हैं। तो अगर ये थोड़ी सी ऑपरेटिंग प्रैक्टिस सही कर लें तो ये थोड़ा सा इम्प्रूव हो सकता है। और किसान भाइयों को मेरी ये एडवाइस है कि जहाँ पे भी आपको स्प्रे करवाना हो वहाँ अपने फील्ड में प्रेजेंट रहें और ये सारी चीज़ें वहाँ पे देखें कि ये कितनी स्पीड से स्प्रे कर रहा है, और बूम की हाइट, क्रॉप की जो टॉप पत्ते हैं, टॉप वाले पत्ते हैं, पौधों की ऊंचाई है उससे 1 फिट की ऊंचाई से ज़्यादा अधिक तो नहीं है। अगर अधिक है तो वहाँ पे उसको कम करवाएं, फॉरवर्ड स्पीड को ज़्यादा ना रखें, 2.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बहुत है। अब हम इसके बाद ये वाटर सेंसिटिव पेपर जो लगाए थे वो हम आपको दिखाने वाले हैं कि क्या ये वाटर सेंसिटिव पेपर पे प्रॉपर ड्रॉपलेट पड़ा है। अभी देख रहे हैं इस वीडियो में ये जो सामने दिख रहा है ये वाटर सेंसिटिव पेपर लगा हुआ है और पेपर पे प्रॉपर ड्रॉपलेट्स आया है। तो अब इसके पश्चात और दूसरे जो वाटर सेंसिटिव कई पौधों पे लगाए हैं, 3-4 पौधों पे लगाए हैं, वहाँ पे हम देखेंगे अभी और भी दिखाएंगे मैं आपको। तो ये बहुत ही ज़रूरी है, किसी भी केमिकल या किसी भी टेक्नोलॉजी का सक्सेस होना या ना होना वो डिपेंड करता है कि कई बार आप सही से चलाएंगे नहीं तो मशीन में कोई मशीन तो मशीन है, जब आप सही नहीं चलाएंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। तो ऑपरेटिंग प्रैक्टिस भी थोड़ी मैटर कर जाती है। देखिएगा यहाँ पे नीचे साइड में बिल्कुल नहीं आया, मैंने ये देखिए पलट के दिखाया आपको, ये मिडिल कैनापी पे लगाया है, ये डॉक्टर साहब भी दिखाएंगे आपको। तो सेम चीज़ है प्रॉब्लम। तो जब भी कभी रखें तो ये सब चीज़ें को ध्यान में रखें कि यार ऑपरेटिंग स्पीड कितनी होनी चाहिए और वाटर एप्लीकेशन रेट कितना है और आप इसमें बूम की हाइट, ये 3 पैरामीटर तो बहुत मस्ट हैं, चेक करने चाहिए। अदरवाइज़ तो इनको क्या है, ये तो बहुत जल्दी स्प्रे करके निकल जाएंगे और पैसे आपसे लेंगे। तो ये सब प्रैक्टिस में होता है। ये लो, अब इसकी आप फोटो ले लो, दोनों की आ जाएगी। ये हम देख सकते हैं, ये सबसे ऊपर वाला जो पत्ता है वो किस उसमें आप पोजीशन देख में सकते हैं, और जो नीचे जो पत्ता चला गया जो मिडिल वाला हम बोल रहे हैं, तो ये वहाँ पे हमने वाटर सेंसिटिव पेपर लगाया था, तो उसमें हम डिफरेंस देख सकते हैं कि जो टॉप वाला है और जो मिडिल वाला है उसमें वाटर सेंसिटिव पेपर बता रहा है कि नीचे जो है पत्ते के नीचे स्प्रे नहीं पड़ रही है। यहाँ फोटो भी पे ले भी लो। देख रहे हैं कि एक टॉप साइड और अंडर साइड में बिल्कुल क्लियर डिफरेंस है, अंडर साइड वाले में एक भी ड्रॉप नहीं आए हैं, नहीं है, तो उसमें बहुत मामूली सा है, बहुत मामूली, बहुत माइन्यूट, इतना कम नहीं होना चाहिए। मेरे इस चैनल को थोड़ा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें ताकि थोड़ा सा मेरे को भी थोड़ा कॉन्फिडेंस रहे कि लोग मुझको इस वीडियो को देख रहे हैं या चैनल को लाइक कर रहे हैं इस वीडियो, या मतलब इस हमारी जो बातें हैं क्या आपके काम की हैं कि नहीं हैं, थोड़ा हमको ये बता दें। धन्यवाद।